and hi salusi manage pika hu. so being his manager and his good friend uh, i'm here to support him and uh, i'll be telling you a few things about him and mirarunka bond or management say so we share a very very friendly bond with each other and that's all about me and him thank you so much तो uh, दिशिता सबसे पहले तो मैं खुद आपको बता दूं आई ऑल्सो लाइक प्रियंका एंड अंकित द मोस्ट इन द बिग बॉस और आई थिंक नो वन इज जेन्युन लाइक दे आर तो एज uh, यूजल आप सब आपको पता ही है अंकित के बारे में तो आप ये बताइए अंकित जैसे घर में है शांत और जिस तरीके से बेचारों को आलसी और क्या क्या हैश दिए जा रहे हैं आर यू ओके विद डेट अंकित बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो घर के अंदर हैं वैसे वैसे ही वो घर के बाहर हैं आलसी तो वो बिल्कुल भी नहीं है ही सुपर एक्टिव ऐसा नहीं है कि वो आलसी हैं उनका वे ऑफ टॉकिंग उनका वे ऑफ डीलिंग उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आ, बाकी लोगों से हटके है बट दैट डजेंट मीन कि वो आलसी हैं वो चीज़ों को बहुत ही सेंसिबली एनालाइज करते हैं एंड देन uh, उसके बाद उस चीज पर रिएक्ट करते हैं और uh, बिना बात चिल्लाना चीखना Uh, मुद्दों में घुसना ये सब अंकित की आदत है ही नहीं बाहर की दुनिया में भी वो बहुत कामली बहुत आराम से uh, चीज़ों को समझते हैं रिश्तों को समझते हैं एंड देन उन रिएक्ट करते हैं तो अगर कोई रियल रह रहा है घर के अंदर uh, उसको आलसी कहा जाए तो uh, जेन्यून सी बात है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड एज अ फ्रेंड आई कैन प्योरली से कि वो जैसा बाहर है वो वैसा ही बिल्कुल अंदर है शायद यही कारण है कि उनको बहुत बार कहा गया है कि आ, आप सोते रहते हैं आप आलसी हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो आ, उसी सेंसिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं और जैसे वो बाहर हैं वैसे ही वो अंदर भी हैं और जैसे वो अपने आप को बाकी लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं ऐसे ही उनका वे ऑफ टॉकिंग बाहर भी है सो so, मेरे हिसाब से आ, उनसे ज्यादा रियलिस्टिक और प्रियंका से ज्यादा रियलिस्टिक घर में और कोई भी नहीं है क्योंकि सब कंटेंट के लिए और गेम के लिए आए हैं लेकिन वो दोनों गेम और कंटेंट के लिए कुछ भी नहीं करते हैं ओके okay. तो आप क्योंकि इतना अच्छे से जानती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि प्रियंका और अंकित का जो रिलेशन है बहुत सारे लोग हैं हमें भी मैसेजेस आ रहे हैं भाई क्या है क्योंकि अंकित ने भी पिछले ही एपिसोड में जब वो हीलियम वाला बलून वाला था। तो ही सेड जो भी उन्होंने बोला वो बिल्कुल ही ज़्यादा और वो उनके सबसे मतलब अब तक की सबसे अंकित और प्रियंका ना uh, they are very good friends and, uh, उनका बॉन्ड भी से चलता आ रहा है तो अंकित की जैसे पर्सनालिटी आप लोग को पता ही है ज्यादा बोलते नहीं है शांत है लेकिन प्रियंका उनसे बिल्कुल ही अपोजिट है तो इन दोनों का आपस में बॉन्ड दोस्ती से तो बहुत ज्यादा ऊपर है फॉर श्योर sure. एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ड है जो डिफाइन कर सकता है कि अंकित के लिए प्रियंका क्या है और प्रियंका के लिए अंकित क्या है एंड uh, प्यार हम हमेशा जरूरी नहीं है कि हम uh, किसी चीज को या किसी बॉन्ड या प्यार को ऐसे नाम दें तो इन दोनों का बॉन्ड इन दोनों के आपस की बात एक एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जो बहुत ही प्योर है एक दूसरे के लिए एंड ये जो भी फील करते हैं केयर है प्यार है जो भी चीज है बहुत ट्रूली है प्योरली है कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई भी इन दोनों दोनों में में से फेक कर रहा हो क्योंकि बाहर की दुनिया भी ये दोनों ही ऐसे ही हैं ऐसे ही टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं फिर आपस में एक दूसरे को मनाते हैं साथ में रहते हैं खाते पीते हैं तो ऐसा है कि इन दोनों के बॉन्ड पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कॉमेंट ऐसेज किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के लिए बिल्कुल प्योर है और इन दोनों की प्रायोरिटीज एकदम उस चीज को लेके बिल्कुल स्टिक है अगर अंकित की कुछ प्रायोरिटीज हैं, जैसे उन्होंने बहुत बार शो में भी कहा है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ उन्होंने शालीन टीना को भी कहा कि मुझे शादी नहीं करनी मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज को लेके कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता और प्रियंका यही चीज कहती हैं कि मुझे अपना घर बसाना है तो उन दोनों की प्रायोरिटीज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों एक दूसरे को किसी भी चीज में ट्रैप कर रहे हैं या कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स नेरेटिव वो लोग देते हैं उन दोनों को पता है कि उन दोनों को आगे लाइफ में क्या करना है बहुत सेंसिबिलिटी के साथ क्या चीज कैसे करनी है एंड उन दोनों का जो भी रिश्ता है वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है बहुत ही प्यारा बॉन्ड है और आई uh, रियली really ये बॉन्ड ऐसे ही आगे भी बना रहे अंकित तो प्रियंका के दुश्मन बहुत हैं घर में और हमने हमेशा ये बिग बॉस में देखा है कि जो लोग रियल होते हैं ना उनके पीछे ज्यादा भीड़ पड़ी होती है स्पेशली तो अर्चना की बात करती हूँ अर्चना की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी उन दोनों के साथ बस सडनली मतलब शी इज बैडली बिहाइंड देम तो आप क्या बोलोगे अर्चना का क्या सीन चल रहा है मतलब वो अभी रियल है या पहले रियल थी? अर्चना अनप्रडिक्टेबल है रियल साइड उनकी पहले थी या अब है ये कोई भी नहीं जान सकता क्योंकि अर्चना घर में किसी की भी नहीं है अगर व्यूअर्स को या बिग बॉस वालों को भी इस टाइम पे ये लग रहा हो ना कि वो निमृत शिविन सबके लिए भी लॉयल होंगी या आगे जाके इनके साथ फ्रेंडशिप निभाएंगी तो मैं आपको कल आने वाले दो तीन दिनों में ही दिखा दूंगी की अर्चना उनसे भी कहीं ना कहीं फाइट लेकर बैठ जाएंगी क्योंकि अर्चना घर में जेन्यूनली किसी की भी नहीं है ये बात प्रियंका बिल्कुल समझ गई थी इसीलिए उन्होंने अर्चना के साथ उस अकॉर्डिंग बैठना स्टार्ट कर दिया था जबकि पहले वो अर्चना को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर सेट करके बैठी हुई थी लेकिन जब सामने वाला ही आपको एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं अर्चना ने ऐसा बहुत बार किया कि प्रियंका हमेशा उसके लिए खड़ी रही लेकिन अर्चना ने बहुत बार बहुत बहुत तरीकों से चीजों में धोखा देने की पूरी पूरी कोशिश करी तो अर्चना का ऐसा है कि अर्चना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कंटेस्टेंट है वो जेन्यनली वो खुद के लिए ही आई है जो की मैं एक तरह से बुरा भी नहीं कहूंगी उस चीज को क्योंकि बिग बॉस के घर में आप एज एन इंडिविजुअल जाते हो तो आप जब सब लोगों से अलग आपको लगना है या सब लोगों से हटके आपको जीतने की तरफ जाना है तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल गेम आपको खेलनी ही पड़ती है उस घर में तो अर्चना अपने लिए जो भी कर रही है, सही कर रही रही सही लेकिन हाँ फ्रेंडशिप इन सब चीजों से वो बहुत हटके हैं और उनका रियल होना ना होना कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि अर्चना एक मिनट में ऐसी है तो दूसरे मिनट में कुछ और है तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है बिल्कुल सही बोलिए आप और हम अंकित को देखे तो इतने अच्छे से चीजों को अपने ऊपर लेते हैं जैसे शिव बिल्कुल पोपट पोपट और क्या कुछ नहीं बोला और लगातार बोलते हैं बट अंकित को मैं देखती हूँ बिल्कुल काम रहते हैं उनका रिएक्शन होता है द टाइम बींग वो रिएक्ट करते हैं और तो बिल्कुल काम डाउन रहते हैं तो इस पे क्या बोलोगे आपकी शिव को क्या हो गया और वो खुद जबकि निमृत और इन सबके साथ एक गुटबाजी करके बैठे हुए हैं तो क्यों इस तरीके से बातें होती है अंकित अंकित रिवर्ट क्यों नहीं करते सॉलिड वाला जो हम सब देखना चाहते हैं मैंने पहले भी जैसे कहा कि अंकित बहुत ही सेंसिबल इंसान है उनके लिए छोटी चीजें ये सारे छोटे छोटे ये पोपट ये सब ये सब हंसी मजाक की तरह है क्योंकि ये सब चीजें उनको बिल्कुल ही बेबुनियाद लगती हैं जो कि एज अ व्यूअर हमें भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद लगती हैं पोपट का मतलब ही होता है किसी को इमिटेट करना डायरेक्टली एंड क्लियरली विजिबल है कि प्रियंका और अंकित के बॉन्ड के बीच में कभी भी उनकी प्रायोरिटी सेम नहीं रही हैं अः सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एग्जाम्पल यही है कि कहीं ना कहीं अंकित के लिए साजिद जी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं लेकिन प्रियंका के लिए नहीं है और पोपट का मतलब ये होता है कि अगर एक जना कहे हाँ तो दूसरा भी कहे हाँ के देखा जा रहा है तो शिव अपने ऊपर चीजें बैक फायर क्यों कर रहे हैं ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अः शिव साजिद जी कहते हैं दिन तो शिव कहते हैं दिन साजिद जी कहते हैं रात तो शिव कहते हैं रात मुझे पता नहीं क्यों लेकिन कभी कभार ऐसा फील आता है कि वो दरबारियों की तरह साजिद जी के पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही साजिद जी उठ के जाने लगते हैं वो भी उनकी आवाजाही में एकदम उठ के उनको ऐसे सल्यूटा देके उनके साथ चलने लग जाते हैं तो पोपट की भूमिका अंदर कौन निभा रहा है ये बहुत ही विजिबल है क्लियरली हम लोग देख सकते हैं इसीलिए शायद अंकित भी हंस देते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि बाहर जनता देख रही है इस चीज को लेके वो उन मुद्दों में अपनी एनर्जी जाया करना ज्यादा पसंद करते हैं जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेंसिबिलिटी रखते हैं अदरवाइज अंकित के लिए ये सारी चीजें बहुत ही छोटी हैं क्योंकि एज सच अंकित भी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि ये सब चीजें मुझे कुछ भी नहीं लगती है कहीं आपको नहीं लगता प्रियंका ज़रूरत से अच्छी है फलाना अच्छा फलाना जो भी बट आपने देखा है कि स्टैंड कितने गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं और क्या कुछ नहीं बोलते उनको तो प्रियंका और अंकित क्यों ऐसे है मतलब एक होता है अच्छा होना एक होता है इतना अच्छा होना की कुछ भी बोल लो आप बस सुनते रहो और आ, रिवर्ट ना करो अच्छा वाला जो लोग एक्चुअल में देखना चाहते हैं देखो दो तरह के लोग होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आ, सेम हो अलग अलग तरह के लोग होते हैं अंकित और प्रियंका जरूर बोलते हैं उन्हें भी चीजें पिंच होती हैं ह्यूमन है अगर कोई भी आपको बिना बात पोक करेगा तो कोई भी सहन नहीं करेगा चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी है वो लोग रिएक्ट करते हैं लेकिन उनका रिएक्ट करने का तरीका बहुत ही अलग है मतलब वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं कि आ, सामने वाला मतलब बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ वो रिएक्ट करते हैं उनका रिएक्ट करने का तरीका बहुत ही अलग है वो लोग बहस करते हैं जरूर करते हैं बोलते हैं सब करते हैं लेकिन वो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स यूज नहीं करते अननेसेसरी किसी के ऊपर कोई डिस्क्रेस कमेंट नहीं पास करते ऐसी चीजें नहीं करते हैं वो हाँ अंकित आ, को बहुत बार अंकित ने स्टैंड लिया है सही चीज के लिए लिया है जब उसको लगता है कि चीजें बहुत ही ज्यादा गलत जा रही हैं तो अंकित स्टैंड लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लेते हैं लेकिन वो उन जगहों पर बोलते हैं और बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ बोलते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा टॉन्ट किया जाता है आई गेस सारा दिन ही किया जाता है बिना बात भी बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन अब इतनी सारी चीजें पायलप हो गई हैं जिसकी वजह से पिछले हफ्ते प्रियंका डीमोटिवेट भी हो गई थी उसको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ये चीजें पिंच करने लग गई थी कि बिन बात इतना ज्यादा टारगेट क्यों किया जा रहा है लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों में वो मोटिवेशन है वो झील है मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीजें उन लोगों को इफेक्ट करेंगी लेकिन उन दोनों का बॉन्ड ट इतना प्यारा है कि अगर एक टूटेगा तो दूसरा कहीं ना कहीं उसको ठीक कर ही देगा तो उन दोनों के पास कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट है कि वो अंदर इकट्ठे हैं ताकि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन इस गेम में आगे चल सके अधिश्यता हमें जो लग रहा है वो आपको भी लग रहा है कि बिग बॉस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं प्रियंका और अंकित के स्पेशली अंकित के क्योंकि बहुत आलसी बोलना और क्या एमसी स्टैंड नहीं है वो भी तो आलसी है कुछ नहीं करते इनफैक्ट हमने तो उनका कुछ ना बोलते देखा है ना कुछ करते देखा है बट बिग बॉस ने सलमान ने यहाँ बैठा के रखा है और उनको और अंकित के पीछे पड़े आप क्या बोलती हो ये एमसी स्टैंड का तो क्लियरली है विजिबल ही है सबको ही है अब मैं कुछ बोलूं भी या ना भी बोलूं तो भी सबको दिख ही रहा होगा कि एमसी सी क्या ही कर रहे हैं अंदर ठीक है उनका फैंडम है उनके फैंस हैं बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वो वो चीज जगह बनाई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टोका नहीं जा सकता फैंडम अंकित का भी बहुत बड़ा है फैंस उन्होंने भी बहुत कमाए हैं और बाहर आ, बहुत ज्यादा प्यार उनको मिल रहा है अः एम सी की अगर मैं बात करूं तो वो अंदर कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जीरो परसेंट है मुझे तो वो नजर ही नहीं आते हैं कल उनको कैप्टन भी बनाया गया कैप्टन uh, बन के भी मुझे लगता है कैप्टन इसीलिए बनाया गया शायद वो थोड़ा बहुत और दिख जाएं, या जो भी उनके कारण है बट uh, प्रियंका और अंकित के पीछे तो मुझे भी नहीं पता इस बार क्या हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है बिग बॉस इतना ज्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट हर चीज में क्यों दिखा रहे हैं वो भी बिना बात अगर तो कोई और संचालन करे तो वो ठीक चाहे वो गलत है चाहे वो सही है लेकिन अगर अंकित संचालन करे और अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अपने दोस्तों की साइड लेने की कोशिश करे तो बिग बॉस उस चीज को गलत प्रूफ करने पे तुले तो हुए थे उस दिन के एपिसोड के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हो गया कि बिग बॉस इज आफ्टर बोथ ऑफ देम विच वी आर नॉट एट ऑल लाइकिंग या, निम्रित, निम्रित ने तो हद कर दी थी चीटिंग की सामने सामने <coughs> करी और टीना वाले केस में भी आपको याद होगा कि टीना को जब वो टास्क दिया गया एक बार भी नहीं बोला था वो वाला टास्क तो था भी ऐसा कि उसका फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहा था सामने वाला आपको आकर ही बता दे रहा है उस टास्क का तो कोई पॉइंट भी नहीं बन रहा था खेलने का फिर भी बिग बॉस ने उस चीज को नहीं बोला और अंकित वाली चीज में उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से बोला तो स्टिल yeah. uh, मैं तो अब उन एज अ फ्रेंड ऑल्सो मेरे को तो यही है uh, मैं फैंस को भी यही कहती हूँ आई मोटिवेट देम ऑलवेज विद वन थिंग कि जो दिखता है वही बिकता है सो yeah. so, अंकित और प्रियंका को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बिग बॉस का सारा कंटेंट मुझे लगता है अंकित और प्रियंका की वजह से ही है

थे वो दोनों और देखो क्या अरे <laughs> तो तो खेल, खेल फिनाले पहुंच गया तो, तो, सो, सो <laughs> exactly. okay. तो अभी क्या लगता है कौन है उनके सबसे अच्छे दोस्त जो बिल्कुल ट्रू फ्रेंड्स है उन दोनों के आपस के अलावा मुझे नहीं लगता मेरे हिसाब से अंदर उनका कोई भी दोस्त है आपस में के अलावा क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि कौन आपको कहाँ बैक फायर कर जाए बैक स्टैप कर जाए मुझे विकास कहीं ना कहीं जो न्यू आए हैं वो जेन्युन लगते हैं तो उनका मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि या वो ट्रूली हैं प्रियंका और अंकित के साथ या नहीं लेकिन जितनी भी बात हुई है उनकी उनसे या जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई हैं वो काफी जेन्युन नजर आते हैं मुझे तो मैं विकास का फिफ्टी फिफ्टी कह भी सकती हूँ अदरवाइज देर इज नो सिंगल पर्सन हु इज विद अंकित एंड प्रियंका प्रियंका और अंकित एक दूसरे के लिए ही है एंड मेरे हिसाब से काफी और आजकल तो शालीन जो है वो बार बार घुसे चले जा रहे हैं अंकित और प्रियंका के बीच में तो क्या लगता है दोस्ती के लिए है या वोट के लिए है देखो शालीन को तो अपना ही नहीं पता तो मैं उसका बाकियों के लिए तो क्या ही बताऊं वो जब से आए हैं उनको खुद का ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो अपना मजाक बनवा रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं अब वो रियलिटी में ऐसे ही हैं या वो कंटेंट के लिए कर रहे हैं या वो ये सब चीजें जो बिल्कुल ही ड्रामेटिक लगती है तो जब इंसान को खुद का ही नहीं पता तो मैं बाकियों के साथ उनके रिश्ते का कुछ कह नहीं सकती लेकिन हाँ इतना जरूर मुझे पता है कि अब इट इज अः नाइन वर्सेज टू या फिर मैं यूं कह सकती हूँ नाइन नहीं टेन वर्सेस टू क्योंकि बिग बॉस खुद भी उस मंडली का पार्ट बन चुके हैं तो so, uh, वर्सेस साफ साफ दिखाई दे रहा है और कल रात तो कुछ ज्यादा ही नजर आया कि सब लोग कैसे झुंड बना के उनको निकालने पे तुले तो हैं स्पेशली अंकित ताकि वो प्रियंका के को uh, वीक कर सके लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि प्रियंका और अंकित दोनों इंडिविजुअली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तुम उनको तोड़ने की जितनी मर्जी कोशिश करो लेकिन स्टिल वो लोग इंडिविजुअली भी उसी तरह आउटशाइन करेंगे जैसे साथ में करेंगे एंड बिग बॉस चाहे जितना मर्जी मंडली का पार्ट बन जाए लेकिन हमें पता है कि कौन किस हिसाब से खेल रहा है और कौन कितना स्ट्रॉन्ग है बिग बॉस इतना ज्यादा पार्ट बन चुकी है आपको याद है जब वीगन फूड नहीं आया जब पिज्जा आया पूरे घर के लिए सौंदर्या के लिए कुछ भी नहीं आया दैट वॉज सो मतलब शॉकिंग की उस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया और उसको कुछ खाने को ही नहीं दिया देट इज सो बैड एक्सैक्टली एग्जैक्टली आ, हाँ बस एक और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछनी मैं एक तो आप मुझे ये बताओ कि जो मंडली है उसपे से भी निमृत ने कल धोखा दिया एमसी स्टैंड को नाम लिया और बाहर आके उन्होंने ये झूठ बोला ग्रुप में बैठ के कि उसने फोर्स किया विकास में जबकि ही डिड नथिंग तो क्या कहना चाहोगी उनके बीच में आपस में इतनी बॉन्डिंग नहीं है वो भी टूट रहे हैं ऐसा लगता है आपको मेरे हिसाब से पहली बात तो ये कि ये बात वीकेंड का बार पे उठनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अगर बहुत ही इतनी इतनी सी बातें उठती हैं तो ये तो फिर भी क्योंकि विकास ने डायरेक्टली हम लोगों ने देखा है कि विकास ने उनको कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने खुद उनको बोली ये चीज कि एक तो ये इंसान है उन्होंने खुद उसको कॉल किया खुद बोला और दूसरा उन्होंने एमसी स्टैंड का नाम लेके डायरेक्टली ये चीज बोली कि एमसी दूसरा एमसी क्योंकि वो अथॉरिटेटिव नहीं है और उनसे वो घर नहीं चल पाएगा जो पॉइंट विकास ने कहा बल्कि बाद में कि मुझे निमृत का कहीं ना कहीं सेंसिबल लगा कि उसकी कौन ही सुनेगा एमसी की क्योंकि वो अथॉरिटेटिव ही नहीं है नहीं। तो इस चीज को बाद में मोल्ड करना और ये कहना कि मुझे लगा था कि अपने वालों को निकालो तो सामने वाला वो तो रीजन ही मुझे बहुत ही लगा और कहीं ना कहीं शिव को भी मैं जानती हूँ वो सेंसिबल है तो इस चीज को ये चीज उनके दिमाग में भी जरूर स्ट्राइक की होगी कि ये रीजन

कि यह हमारी मंडली है या हम लोग दोस्त हैं आपस में या जो भी है कि हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी है लेकिन जब मौका आएगा जिसको मौका मिलेगा सबसे पहले वो अपने ही दोस्तों को उड़ाएंगे <laughs> सबसे पहले वो अपने ही दोस्तों को बाहर करेंगे चाहे वो कॉम्पिटिटर कहके करें चाहे वो जैसे मर्जी करें क्योंकि वहां वो घर ही ऐसा है कि अंटिल एंड अनस आप बहुत ही अच्छे दोस्त हैं दिल से कनेक्टेड है <laughs> आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हो तो ये साजिद जी की ही अगर मैं बात करूं ये लोग साजिद जी साजिद जी करते रहते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं विच इज ओके बट साजिद जी कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपने लिए ही खेल रहे हैं और ये चीज सबको हेलो या आई एम आई ठीक है या yeah. सो so, साजिद जी अपनी ही गेम खेल रहे हैं ये चीज आई गेस सबको समझनी बहुत जरूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाग जाओ और अपनी अपनी गेम खेलो निमृत को भी उस दिन बिग बॉस ने खुद कन्फेशन रूम में बुला के ये बात बोली थी कि इट इज हाई टाइम नाउ अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा फिर भी अगर वो लोग लो नहीं समझ रहे हैं तो इट्स हाई टाइम नाउ आई गेस क्या लगता है टॉप थ्री में किसको देख रहे हो आप प्रियंका फॉर श्योर sure. <laughs> अंकित अंकित बहुत सेंसिबली खेल रहे हैं लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं उनको आलसी कहा जा रहा है कुछ भी कहा जा रहा है लेकिन वो ऐसे ही है वो लाइफ को इसी तरह जी, जीते हैं और अंदर भी एक तरह से वो उसी तरह से रह रहे हैं सो okay. so, अंकित अंकित बहुत अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि ही इज वेरी ट्रू टू हिमसेल्फ थर्ड पे आ, शिव अगर टॉप थ्री की बात करूं मैं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिव आ, काफी सेंसिबल है चीजों को लेके बस वो आ, प्रियंका और अंकित को अगर बेफालतू में टारगेट करना बंद कर दें <laughs> तो वो काफी अच्छा लाइफ में और कर सकते हैं क्योंकि और भी बहुत चीजें होती हैं जिन पे वो ना, ध्यान ना देकर खुद एक पोपट बन गए हैं बाकी सब लोगों का निमृत साजिद इन सब का तो अगर वो इन सब चीजों से बाहर निकल के अपनी एक इंडिविजुअल गेम खेले तो यस शिव कैन बी वन और शाली टीना के बारे में क्या बोलोगे आप हार्दे रियल <laughs> बहुत मुश्किल है कहना जैसे मैंने खुद का अभी आपको कि शालीन को खुद का ही नहीं पता है तो उनको टीना के साथ का भी क्या ही पता होगा टीना अः का मुझे नहीं समझ में आता है कि वो कब क्या कैसे रिएक्ट कर जाएंगी किस बात पे क्योंकि ये आई गेस उनको खुद को भी नहीं पता है नहीं। शालीन की कुछ बातों पे वो ओवर रिएक्ट कर जाती जिस पे शालीन का और ओवर रिएक्शन आता है तो वो बहुत ही फेक लगता है मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत बार अब तो ऐसा हो चुका है कि वो लोग को फेक फेक अब जनता को कुछ दिख रहा है तभी वो लोग फेक कहेंगे ना तो वो लोग इतना हो चुका है उस दिन भी बजर राउंड के टाइम मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या चाहती थी क्लियरली विजिबल था कि उन्होंने शालीन को दो तीन बार कहा कि नहीं नहीं मत दबाना बाद में जब शालीन वापस आए तब भी उन्होंने कहा तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया वेल डन वेरी गुड एंड जब वो वापस आई तो उनका रूप ही देखने वाला लगता शी वॉज लाइक था पहले मत बोलो जब वो टास्क उस टाइम चल रहा है आप उसी उसको बोलो कि शालीन आपने मिले लिए बजर क्यों नहीं दबाया तब तो जाने के टाइम आप वो ड्रामा करके गए किसी से मिलके नहीं गए वो सब चीजें आपने की फिर अब इन चीजों का कोई पॉइंट नहीं था सो so, मेरे लिए तो आई कैन से हाँ फेक <laughs> सौंदर्या बहुत हर्ट प्रियंका और अंकित से इसलिए उन्होंने नॉमिनेट कर दिया उनको तो क्या लगता है सौंदर्या की दोस्ती प्रियंका के साथ टूट रही है या अलग ग्रुप में जा रही है वो सौंदर्या का मुझे पर्सनली पहले से मतलब समझ नहीं आता था ठीक है उनका जब

अर्चना का मैं जैसे कह सकती हूं कि वो खुद के लिए ही आई है लेकिन सौंदर्या के साथ फिर भी वो आप... कल रात भी जैसे उन्होंने दिखाया कि वो और सौंदर्या एक दूसरे को गले लगा के काफी रो रही थी एंड देन उन्होंने एक दूसरे को पैसिफाई किया ठीक है उनका एक अपना रिश्ता होगा लेकिन कभी कभार वो चीजें कुछ है जो ऐसी जो देखने में ऐसा लगता है कि नहीं इतना भी नहीं मतलब ये बिल्कुल ही एक तरह का थोड़ा सा फेक नजर आता है तो सौंदर्या का कुछ कह कहा नहीं जा सकता अभी जैसे वो फिलहाल उस साइड है तो कल को उधर लड़ाई हुई तो वो इधर भी आ सकती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो परमानेंट है अर्चना और सौंदर्या का एक्चुअल में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो मौका और समय देख कर पलटी मारती हैं तो उन दोनों का कहना ये बहुत मुश्किल है कि वो किसके 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 साथ 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 दोस्ती निभाएंगी साथ नहीं रखेंगी या साथ रखेंगी या चलते चलते प्रियंका और अंकित के फैंस के लिए वोट अपील कर दो आप बिल्कुल आ, प्रियंका और अंकित के फैंस ने बहुत ज्यादा थ्रू आउट उनको सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से किया है और उनकी सपोर्ट और प्यार की वजह से ही आज वो दोनों इस जगह पहुंच गए हैं सो आई वु रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड कीपोर्टिंग ताकि हम उन लोगों को वहां तक पहुंचा पाए जहाँ वो जाना चाहते हैं इन ऑफ द फैक्ट की उनको बहुत टारगेट किया जा रहा है अगर हम ऐसे ही उनको सपोर्ट करते रहे तो एक्चुअल में दिखेगा की कि उनको कितना प्यार मिल रहा है बाहर एंड दे रियलीप्पी वेन दे कम आउटसाइड सो थैंक यू सो मच कांगिता फाइनली हमारी बात होगी <laughs> Uh, Thank you so and for the support. <laughs> okay, thanks. take care, Dishita, and happy new year. Okay. Same to you, same to you. Bye-bye. <laughs>